इंदौर नगर निगम ने विधानसभा एक में बाधक निर्माणों को गिराने की बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया, जिसके तहत नगर निगम ने कुशवा नगर क्षेत्र के 42 मकानों पर हथौड़े चलवाए। इसके बाद इस क्षेत्र में नर्मदा की लाइन डालने का काम किया जाएगा। देखिए रिपोर्ट। दरअसल कुशवाहा नगर में लंबे समय से पेयजल की मांग की जा रही थी, जिसके लिए कई बार धरने और प्रदर्शन भी हुए। वहीं अब निगम ने इस क्षेत्र में जोनल स्तर पर नर्मदा की लाइन डालने की योजना बनाई है, जिसमें क्षेत्र की मेन रोड पर 42 से अधिक मकानों के बाधक हिस्से को तोड़ा गया। प्रारंभ में निगम की इस कार्रवाई का रहवासियों द्वारा भारी विरोध किया गया, लेकिन बाद में अधिकांश रहवासी खुद अपने अतिक्रमण तोड़ने लगे। विरोध को देखते हुए निगम के लगभग 200 कर्मचारियों ने पुलिस की मौजूदगी में कार्यवाही प्रारंभ कर दी थी। कार्यवाही में 10 जेसीबी और पोकलेन लगाई गई थी। कांग्रेस नेता दीपू यादव भी मौके पर पहुंच गए थे। दुकानदार निगम की कार्यवाही का विरोध करते हुए अतिरिक्त समय देने और नर्मदा लाइन का अलाइनमेंट बदलने की मांग करते रहे। कई दुकानदारों ने कार्यवाही का विरोध किया, जिन्हें निगम के अधिकारियों ने समझाइश देकर दुकानें खाली कराई और कार्यवाही को अंजाम दिया। निगम की कार्यवाही में निगम के अमले के साथ ही जिला प्रशासन के अधिकारी और 3 थानों के पुलिस बल सहित थाना प्रभारी और सीएसपी मौजूद रहे। ये जो आज कार्रवाई की जा रही है, ये कुशवा नगर मेन रोड पे की जा रही है, जहाँ पे अपना जल प्रदाय की पाइपलाइन डालना है। और ये जो उसको जो योजना है, ये जोन स्तर से है। यहाँ पर जिस जगह पे पाइपलाइन डालना, जो स्थान चिन्हित किए गए हैं, उसमें लगभग अभी वर्तमान में जो हम कार्रवाई कर रहे हैं, इसमें करीब 42 या 45 मकानों को नोटिस दिए गए हैं। ये जो मकान है, ये करीब 4 फीट से 7-8 फीट तक करीब अंदर आ रहे हैं। इसमें हमारे सामने समस्या एक ये हो रही है कि कुछ जो मकान है, उनके पिलर जो है, उस पर 2-2, 3-3 मंजिल के मकान उठे हुए हैं। कुछ मकान नए हैं, लेकिन कुछ मकान इतने पुराने हैं कि अगर उसको मशीन से गिराया जाता है तो पूरा मकान गिरने की संभावना है। दूसरा, अभी हमने कुछ जगह देखा है, वहाँ पर जो मकान बनाए गए हैं, उनको इतना कच्चे तरीके से बनाया गया है कि एक बीम और पिलर पे, मतलब 4 कॉलम के अंदर, वो लगभग आप मान के चलिए कि 10x15 का मकान खड़ा कर दिया, 2 या 3 मंजिल का। लिहाजा वर्तमान में हम लोग इनके शटर निकलवा रहे हैं, झिरी करवा रहे हैं। विरोध ये उस बात का हो रहा है कि हमें समय दिया जाए। तो समय देने की जहाँ तक बात है, ये रिमूवल अभी से 12 या 15 दिन पहले भी लगा था, पिछले लगभग 1 वर्ष से काम चल रहा है, 3 बार मैं खुद आ चुका हूँ, तो समय तो इनको बहुत कुछ दिया जा चुका है, लेकिन इन लोगों ने गंभीरता से नहीं लिया। कुल मिलाकर ज्यादातर मकानों का 10 से 12 फुट हिस्सा तोड़ा जा रहा है। महिलाओं ने शुरुआत में ही विरोध किया, लेकिन अफसरों और पुलिस ने सबको हटा दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, इंदौर।